नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नाइन और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व विधायक गंगा सिंह चौहान ने केंद्र सरकार के विरुद्ध SC ST एक्ट के मामले में बिगुल फूंक दिया है। उन्होंने कहा कि सामान्य वर्ग के हित में वह हर कुर्बानी देने को तैयार है, यदि उन्हें पार्टी हाई कमांड पार्टी से निष्कासित भी करती है तो उसके लिए भी वो तैयार है, लेकिन सामान्य वर्ग के साथ उन्हें भेदभाव बर्दाश्त नहीं। उनकी मांग है कि देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू किया जाए, इसके अलावा सर्वन आयोग का गठन हो। उन्होंने बताया कि एसटी एक्ट के विरोध में हुए जनमत को इकट्ठा कर जिले स्तर से प्रदेश व देश स्तर तक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। श्री सिंह ने कहा कि देश में अनुसूचित वर्ग, अल्पसंख्यक व पिछड़ा वर्ग के लोगों के संरक्षण हेतु आयोग गठित है, इसी प्रकार सामान्य वर्ग के न्याय के लिए भी सर्वन आयोग का गठन हो। SC ST एक्ट जब सुप्रीम कोर्ट ने ये महसूस किया कि इसके द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है सामान्य वर्ग के लोगों को, चाहे पिछड़े वर्ग के भी लोगों को, बदले की भावना से मुकदमे फर्जी लिखाए जा रहे हैं, पूरे देश में ये जब वातावरण फैलने लगा तो किसी राजनीतिक दल ने इसमें साहस नहीं किया क्योंकि उनको वोट चाहिए। यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय ने ये जब निर्णय लिया कि ये गलत हो रहा है, इसमें बगैर जांच के कोई भी कार्रवाई न की जाए, इसके बावजूद इसको दरकिनार करके भारतीय जनता पार्टी ने ये कदम और उसको मजबूत कर दिया। इसके खिलाफ हम आंदोलित हैं और समाज के समर वर्ग या इस SC ST एक्ट के लिए आर पार की लड़ाई के लिए मैंने कदम आगे बढ़ा। दो और आपकी मांगे हैं, वो कौन सी? दो मांगे ये हैं, पिछड़े वर्ग के लिए पिछड़ा आयोग, अल्पसंख्यकों के लिए अल्पसंख्यक आयोग, अनुसूचित के लिए अनुसूचित आयोग। एक सामान्य वर्ग ही ऐसा बचता है सवर्ण वर्ग, उसके लिए कोई आयोग नहीं। अगर उसके ऊपर कहीं अन्याय, अत्याचार, दुराचार, मुसीबत आती है तो वो अपना शरण कहाँ लेगा जाकर के, इसलिए उसका भी आयोग होना चाहिए। ये हमारी आज मांग है। तीसरी बात हमारी ये है कि ये आरक्षण जिस तरह से लागू किया गया था, एक थोड़े समय के लिए किया गया था, वो आरक्षण बढ़ते 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 ही जा रहा है क्योंकि लोगों को वोट की राजनीति दिखती है। सामान्य वर्ग के लोग, ठाकुर, ब्राह्मण, वैश्य, अन्य लोग जितने भी सामान्य वर्ग में आते हैं, इनके लिए कोई आरक्षण नहीं, जबकि हम देखते हैं सबसे ज्यादा गरीब अगर कोई है इस वर्ग में ही मौजूदा में है, इसलिए हम चाहते हैं इनको भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। इसके लिए मैंने एक रास्ता, या तो हमारी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया जाए, और नहीं सारे आरक्षण खत्म करके पूरे देश के अंदर आर्थिक दृष्टि से जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, असहाय हैं, उनको आरक्षण देने का काम किया जाए, इस मांग को लेकर के हम आगे बढ़े। किस तरीके से आप इस पूरे तीनों बातों को लेकर आंदोलन को अंजाम देंगे और किस शहादत तक जाएंगे इन बातों को लेकर? हर स्तर तक मैं जाऊंगा, लेकिन अंजाम मेरा शुरू इस बात को होगा, पहले हम एक महीने के अंदर जनमत संग्रह करेंगे, इसके बाद जिले स्तर पर धरना प्रदर्शन करेंगे और फिर आगे प्रदेश स्तर पर ले जाएंगे। क्या समझते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव में, दो मिनट यहाँ रुक जाओ, अभी जनता पार्टी को इसका हानि उठानी पड़ेगी? इसके विषय में मुझे कोई आइडिया नहीं, हम तो अपने सामान्य सवर्ण वर्ग के हित के लिए कदम उठा रहे हैं, और क्या किसको उठाना पड़ेगा उससे मुझे कोई लेना देना। इस कानून से क्या सवर्णों में रोष है? बहुत रोष है, तभी तो मैं उठा ही रहा हूँ। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। जनपद की उभरती प्रतिभा आर्य सिंह ने अपनी सोच एवं प्रतिभा के दम पर भगवा कलर के 4337 फीट लंबे तथा 1.5 इंच चौड़े फीते पर नीले स्थाई मार्कर के द्वारा अपने हाथों से संपूर्ण भगवत गीता संस्कृत में लिखी। रसकान प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम में इसका अवलोकन वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम करने के लिए मानकों पर खतरा उतरने पर इसे वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। आर्यन वर्तमान में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की तैयारी कर रहे हैं। आर्यन
सिंह अपना आदर्श स्वामी विवेकानंद जी को मानते हैं। इस कार्य के लिए आरएन सिंह का मार्गदर्शन सुनील कुमार सिंह किरण अग्रवाल तथा योग गुरु हरीश सिंह ने किया है। सबसे पहले मैंने बनारस में एक पेंटिंग देखी थी जो रिबन पे वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अप्लाई की गई थी, तो मैंने कहीं ना कहीं मैं भगवत गीता से बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना क्यों मतलब इंडिया में भगवत गीता का लोगों को उसकी प्रेरणा दी जाए, उसके लिए मैंने भगवत गीता का रिबन पे लिख के वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अप्लाई किया, जिसमें यूरेशिया वर्ल्ड रिकॉर्ड और इंडिया वर्ल्ड रिकॉर्ड में सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हम अप्लाई करेंगे। एक बच्चे ने धर्म से प्रेरित होकर जन्माष्टमी के दिन इस कार्यक्रम को रखा है, ये बहुत अच्छा प्रयास है। जैसा कि आपको सबको पता है, गीता भारत का सबसे पवित्र ग्रंथ है। इस ग्रंथ की यह विशेषता है कि इसमें योग के जितने विशाल योग से लेके जितने तरीके के योग दर्शन सब इसमें विद्यमान है। जैसा कि आप सबको विदित है कि गीता को केवल अपने देश में नहीं सभी समस्त विश्व में इसकी मान्यता है। तमाम विदेशी लोग इसको सर पर रखकर नाचते हैं, गाते हैं। कितने धर्म की स्थापना गीता को लेकर हुई है। गीता आपने बता रहे 5000 से ऊपर फिट पे इसको लिखा गया। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।